आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 22 जून 2023 का। यह वीडियो आप सभी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस किए गए हैं वह सभी क्वेश्चन परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी तैयारी करते हैं परीक्षा का तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत ने INS कृपाण वह किस देश को उपहार में दिया है? तो सही उत्तर है वियतनाम। भारत जो है वह वियतनाम को INS कृपाण को उपहार में दिया है। इसकी घोषणा जो है भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने की है कि भारत जो है वह INS कृपाण को वियतनाम जो देश है इसको उपहार में देगा। और यह INS कृपाण जो है वह खुकरी श्रेणी का एक युद्ध पोत है, जिसे 1991 में इसे कमीशन किया गया था, यानी इसे भारतीय नौसेना में 1991 में इसे कमीशन किया गया था। और अगर हम लोग वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, और यहाँ की जो मुद्रा है वह वियतनामी डोंग। यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है वियतनामी डोंग, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। और इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला है, अमित शाह ने किस स्थान पर केडाई गार्डन पीपुल्स पार्क का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर इसका है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। अहमदाबाद जहां भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिन्होंने केडाई गार्डन पीपुल्स पार्क का इन्होंने उद्घाटन किए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अहमदाबाद। अगला है, हुरून इंडिया सूची के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो सही उत्तर इसका रिलायंस इंडस्ट्री जो है वह हुरून इंडिया सूची के अनुसार यह भारत का सबसे मूल्यवान या प्राइवेट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो सही उत्तर इसका है 21 जून जो है वह उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो यह उत्तरी गोलार्ध में, यानी जो इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, इससे जो ऊपर हो गया है उत्तरी गोलार्ध हो गया, और इससे जो नीचे हो गया वह दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो सबसे लंबा दिन जो है वह 21 जून है, और सबसे लंबी रात जो है 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला है, किस राज्य ने अन्न भाग योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक जो राज्य है वह अन्न भाग योजना का शुरुआत किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कर्नाटक। और यह जो अन्न भाग योजना है वह उन लोगों को 10 किलो चावल की गारंटी देगी जो कि गरीबी रेखा से नीचे है, यानी यह BPL कार्ड धारक हैं, उनको राज्य सरकार की ओर से अन्न भाग योजना के तहत 10 किलो चावल की गारंटी प्रदान की जाएगी। और इसे कर्नाटक मुक्त चावल वितरण योजना भी कहा जाता है इस योजना को, यानी जितने भी लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनको मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। और यह जो योजना है इसके तहत राज्य सरकार के द्वारा 5 किलो चावल और अतिरिक्त जो 5 किलो और दिया जाएगा वह केंद्र सरकार का एक योजना है, इसके द्वारा राज्य के जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको 5 किलो चावल दिया जाएगा। और यह जो योजना है इसको लागू किया जाएगा 1 जुलाई 2023 को, और इस योजना के तहत परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को प्रतिमाह 10 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। अगर घर में 5 सदस्य है तो इनको दिया जाएगा 50 किलो चावल। अगला है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्टोनिया। एस्टोनिया जो यूरोपीय देश है वह समलैंगिक विवाह को या वैध बनाने वाला सबसे पहला यूरोपीय देश है एस्टोनिया। अगर हम लोग एस्टोनिया की बात करते हैं तो एस्टोनिया का जो राजधानी है वह तेलिन, और यहाँ का मुद्रा यूरो, और आधिकारिक भाषा है एस्टोनियाई। यह लोकेशन है एस्टोनिया का, आप इसे याद रखिएगा लोकेशन।
अगला क्वेश्चन है, आजादी के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसने जीता है? तो सही उत्तर है अरुंधति राय। अरुंधति राय को आजादी के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अरुंधति राय को। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अरुंधति राय। अगला है, प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सलमान रशदी। सलमान रशदी जो है वह प्रतिष्ठित जर्मनी शांति पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है, सलमान रशदी को। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पेटेरी ओर्पो। पेटेरी ओर्पो को फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा पेटेरी ओर्पो। अगर हम लोग फिनलैंड की बात करें तो यह जो है वह यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी है हेलसिंकी, जो कि फिनलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। यह की आधिकारिक भाषाएं हैं फिनिश या स्वीडिश है, यानी जो फिनलैंड है उसका आधिकारिक भाषा है फिनिश या स्वीडिश है। फिनलैंड जो है वह यूरोपीय संघ का भी मेंबर है, संयुक्त राष्ट्र का भी है मेंबर है, और नॉर्डिक परिषद का भी है सदस्य है। और फिनलैंड की बात करते हैं और पॉइंट से, तो फिनलैंड जो है वह देश का सबसे खुशहाल देश है। यहाँ दुनिया में प्रति व्यक्ति सोना जो है वह सबसे अधिक है, और जो फिनलैंड है देश उसको कहा जाता है सांता क्लॉज का घर। सांता क्लॉज का घर कहा जाता है फिनलैंड को, और यह जो है फिनलैंड का लोकेशन है। अगला क्वेश्चन है, किसे नए आरबीआई डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर है स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में इन्हें नामित किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन। अगला है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जून। 21 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 21 जून को। अगला है, संक्रांति के उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जून को संक्रांति के उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वह मनाया जाता है 21 जून को। अगला है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जून को हर साल विश्व संगीत दिवस के रूप में यह मनाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 21 जून को। और इस वर्ष का जो विषय है विश्व संगीत दिवस का, वह अभी घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन आप याद रखिएगा वर्ष 2022 का जो विषय था वह था चौराहों पर संगीत। यह जो है 2022 का यह विषय था, 2023 का अभी घोषणा नहीं हुआ है विषय का। अगला है, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो याद रखिएगा यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भवानी देवी। भवानी देवी जो है वह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो फेंसिंग इवेंट है वह ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने वाले है पहले भारतीय बने थे, और यह एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक जीतने वाले भी है पहले भारतीय बने हैं, भवानी देवी। अगला है, अभ्यास का नाम है एक्स खान क्वेस्ट। यह जो अभ्यास है इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मंगोलिया में। अभ्यास का नाम है एक्स खान क्वेस्ट, इसका आयोजन किया गया है मंगोलिया में, जिसमें कि भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी जो है इसमें भाग ले रहे हैं। और यह जो अभ्यास है एक्स खान क्वेस्ट, इसमें भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व करेंगे इनका नाम है गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी है जो कि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करेंगे इस अभ्यास में, और यह जो अभ्यास है वह 14 दिवसीय अभ्यास है जिसका आयोजन किया जा रहा है मंगोलिया में। यह कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 22 जून 2023 का। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।